Children, let's begin with chapter number 16, Indian ornaments. Indian craftsmen have talent in them that they have carried forward since generations. So, हमारे इंडिया में इंडिया के लोगों को बहुत ही गिफ्टेड पीपल हैं इंडिया के लोग जिनके हाथों में बहुत बहुत तरह की कला है. तो कुछ क्राफ्टमैन ऐसे हैं जो कि ज्वेलरी बनाते हैं. मैनी गोल्ड स्मिथ्स, सिल्वर स्मिथ्स एंड ज्वेलरी मेकर्स मेक इंट्रिकेट ज्वेलरी इन इंडिया. तो इंडिया में बहुत सारे गोल्ड स्मिथ्स हैं, सिल्वर स्मिथ्स हैं और ज्वेलरी डिजाइनर्स हैं जो कि ज्वेलरी बनाने का काम करते हैं. लेट अस लर्न अबाउट डिफरेंट ज्वेलरी स्टाइल्स इन विच ऑर्नामेंट्स आर मेड इन इंडिया. तो सबसे पहले आती है हमारी एंटीक ज्वेलरी. एंटीक ज्वेलरी जो होती है ना, वो पुराना टच लेकर आती है. ऐसे लगता है जैसे बहुत पुरानी ज्वेलरी हो, रस्टेड होती है थोड़ी सी. दिस काइंड ऑफ ज्वेलरी हैज डल एंड रफ लुक. तो इसका लुक कैसा होता है? डल लुक होता है, रफ होता है और ऐसे लगता है जैसे बहुत पुरानी हो. देन वी हैव बीड ज्वेलरी. तो बीड ज्वेलरी जो है ये 5000 ईयर बैक का काम है, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लरिश करती थी. तो इतनी पुरानी है बीड ज्वेलरी. दिस इज 5000 ईयर ओल्ड आर्ट डेटिंग बैक टू इंडस सिविलाइजेशन. देन वी हैव फिलीग्री ज्वेलरी. तो फिलीग्री ज्वेलरी बेसिकली सिल्वर ज्वेलरी होती है. इट इज डन ऑन सिल्वर विथ प्रिसिशन एंड टेक्निकलिटी. इट इज वेरी डिटेल्ड. तो सिल्वर पर बहुत ही डिटेलिंग के साथ काम किया जाता है. देन वी हैव ट्राइबल ज्वेलरी. आपको पता है इंडिया में बहुत सारे आइलैंड्स थे पहले, तो इन आइलैंड्स पे जो लेडीज होती थी वो ज्वेलरी बना के पहनती थी, वुड की, क्ले की, बोन्स की. सो ऐसी ही ज्वेलरी को नाम दिया गया है ट्राइबल ज्वेलरी. Tribes in India have unique style of jewelry made up of clay, bones, wood, shells and crude metal. Then we have meenakari jewelry. ये तो बहुत ही सुंदर होती है, जिसमें different different type के precious stones को gold में embed करके बनाया जाता है. In this jewelry, precious stones are set and then enameled with gold. It was introduced to Rajasthan by Raja Man Singh of Amber. तो राजा मानसिंह ऑफ अंबर ने इसे इंट्रोड्यूस किया था. क्राफ्टमैन फ्रॉम लाहौर वर इनवाइटेड बाय हिम टू राजस्थान. तो उन्होंने राजस्थान में लाहौर से लोगों को बुलाया था. देयर स्किल्स एंड राजस्थानी क्राफ्टमैनशिप्स आर कंबाइंड टू क्रिएट दिस. तो उनके स्किल्स और राजस्थानी क्राफ्टमैन ने, दोनों ने मिलकर अपने स्किल्स से इस ज्वेलरी को डेवलप किया था. Then we have ivory jewelry. As the name indicate, ये ivory से बनी है. Ivory jewelry. Children, ये जो jewelry है ये tusk of elephant से बनती है. As the name indicate, ivory. तो ये कहाँ से मिलता है? ये मिलता है tusk of elephant से. In states like Gujarat and West Bengal, ivory bangles are a must part of bride's jewelry. तो ये इतना शुभ माना जाता है कि जो नई ब्राइड होती है उसको इनके बने हुए कंगन पहनाए जाते हैं. कुंदन ज्वेलरी. इट इज मोस्ट पॉपुलर सिंस मुगल एरा एंड वॉज कैरिड टू राजस्थान बाई डेली क्राफ्टमैन. सो मुगल एरा की जो फेमस ज्वेलरी थी वो थी कुंदन ज्वेलरी, और कुंदन ज्वेलरी को राजस्थान लेकर आए थे दिल्ली के ही कारीगर. देन वी हैव टेम्पल ज्वेलरी. तो टेम्पल ज्वेलरी वो है जिसमें गॉड गॉडेसेस की इम्प्रिंट्स होते हैं, उनकी फिगर्स बनाई जाती हैं. दिस काइंड ऑफ ज्वेलरी मेनली ओरिजिनेट फ्रॉम द ज्वेलरी स्पेशली मेड टू अडॉर्न द आइडल्स ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस इन साउथ इंडियन टेम्पल. तो साउथ इंडियन टेम्पल्स में गॉड की फिगर्स के वो नेकलेसेस बनाते हैं और उसी से इंस्पायर होके हमारी टेम्पल ज्वेलरी बनी है. देन यू हैव जड़ाऊ ज्वेलरी. दिस इज़ अ वेरी फेमस फॉर्म ऑफ ज्वेलरी और ये मुगल टाइम से बहुत फेमस है. इट इज़ मेड बाय हाईली स्किल्ड क्राफ्टमैन मोस्टली इन राजस्थान एंड गुजरात. नाउ चिल्ड्रन लेट्स सी नेक्स्ट ज्वेलरी विच इज पाचिकम ज्वेलरी. सो पाचिकम ज्वेलरी इज अ काइंड ऑफ ज्वेलरी जो कि बहुत फेमस थी गुजरात में और कच्छ में. इट हैज़ वैनिश्ड बट आजकल फिर से इसका ट्रेंड आ गया है. बट हैज़ बीन रिवाइव्ड इन रीसेंट डिकेड्स. अब फिर से इसी ज्वेलरी का ट्रेंड आ गया है और इसीलिए इसको रिवाइव कर दिया गया है.